हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर डीसीएम 12th टॉपिक, फिजिक्स के जो 12th टॉपिक है इसमें आपका स्वागत है। डीसीएम नंबर 35 अपन यहाँ पे 34 सॉरी डीसीएम 34 अपन यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा, जो आपने पेपर दिया, अपन ने इस पेपर को ज्यादा हाई लेवल का नहीं बनाया, अपन बिल्कुल मेडिकल के जो सिलेबस है या जो मेडिकल का लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको रख रहे हैं, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन के थ्रू अपन को क्या करना बेटा, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हमें उस लेवल तक हमें जाना जहाँ पे मेडिकल लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से पेपर का लेवल काफी सिंपल हो चुका है, हम उसी लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन लड़ रहे हैं ताकि हम आराम से उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लाएं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो और हमें लगे हम इतने मार्क्स ला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलो करो, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कह रहा है, अ लेंथ ऑफ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट आई, मीन्स एक एल लंबाई का वायर है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो रही है, ठीक है। उसे हम एक वृत्ताकार लूप में मोड़ रहे हैं, सर्कुल लूप में, स्ट्रेट वायर है उसे अपने सर्कुल लूप में बेंड कर दिया है। और चलो देखो, एक स्ट्रेट वायर को आप सर्कुल में बेंड करते हो तो किस फॉर्म में बेंड करो उसको, 2πr की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसको एक सिंगल टर्न के रूप में बेंड किया है, एक सिंगल लूप में मोड़ा है तो 2πr के रूप में बेंड किया है, ठीक है। अगर आपने उसमें दो टर्न दिए तो लंबाई 2 × 2πr के रूप में आ रही है। आपने अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में बेंड कर दिया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में बेंड कर दिया है तो इसमें जो कुल लंबाई है वो कितनी होगी, n इंटू 2πr, ठीक है। इसको कह रहा है कि एक बार आपने एक सिंगल लूप में बेंड किया है और एक बार छोटी त्रिज्या के दो लूप के रूप में बेंड किया है, ठीक है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो बेटा वो इसके अंदर जब इसको हम बेंड कर रहे हैं, l का मान l इज इक्वल टू कितना है, n इंटू 2πr, क्या होगा बेटा, l इज इक्वल टू n इंटू 2πr, ये फिक्स है, n इंटू 2πr, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन ने फिक्स ले रखी है, ठीक है, इक्वल टू फिक्स्ड। अब बेटा फिक्स अपन लिया है तो मतलब n into r क्या हो गया, फिक्स्ड, n into r इक्वल टू फिक्स्ड। तब देखिए यहां से r एंड n में डिपेंडेंसी क्या आएगी, यहां पे r इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/n, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये आपको ऑप्शन होगा। अब देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो किसी भी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू μ0 ni / 2r, ये होता नहीं बेटा, B is equal to mu n I upon 2R। यहां से हम देखें मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, n upon R। अब यहां पे R को रिप्लेस कर दो किससे, 1 upon n से, R को 1 upon n से रिप्लेस कर देंगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n square, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू n square। अब आपने यहां पे लूप्स को 2 कर दिया है, पहले 1 थे अब 2 कर दिया है, तो यहां पे B dash upon B, ठीक है, यहां पे लूप्स 2 है बाद में, ठीक है, पहले 1 है, ठीक है, तो क्या जाएगा रिजल्ट, 4 टाइम्स, तो b डैश की क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ b होगी, क्या जाएगा रिजल्ट, 4 टाइम्स ऑफ b, ठीक है, पूर्व मान का 4 गुना ये रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आई बस में चलो अब देखो बेटा इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे, देखिए इफ अ कॉपर रॉड कैरीज अ डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी, मींस कह रहा है तांबे की छड़ में धारा पारित हो रही, ठीक है, कॉपर रॉड इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो इससे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अपन जानते हो बच्चों रॉड के अंदर भी होता है, रॉड के बाहर भी, आपने ACL में पढ़ा ही होगा बच्चों, इस तरह से ये कोई करंट कैरिंग रॉड है, ठीक है, यहाँ पे इसे सिलेंड्रिकल रॉड, तो आप बेटा इसमें जब करंट फ्लो करते हैं हम, इसमें जब धारा पारित करते हैं आई, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बाहर भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, होता नहीं होता, और इसके अंदर भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर भी और अंदर भी सब जगह इसके अंदर उपस्थित होता है, तो क्या कहेंगे, छड़ के अंदर और बाहर दोनों, ठीक है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी रॉड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह होगा, क्लियर। चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल क्यू कूलम मूव्स इन अ सर्किल, ठीक है, एट एन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, एन चक्कर प्रति सेकंड के अनुसार एक आवेश वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, ठीक है, आपसे कह रहा है फिर देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्किल इज, तो बेटा यहाँ पे आपका गिवन, देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है एन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, अपन जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है, तो वो एक धारावाही लूप की तरह बिहेव करता है, मींस करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन क्या यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आई, यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल बच्चों यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, यहाँ धारा का मान क्या होगा, करंट का मान I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या कहते हैं Q
क्यू अपॉन टी और टी को अपन लिखते हैं एन, ठीक है। ये टी यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सॉरी टाइम पीरियड है, वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए ये म्यू नॉट, म्यू नॉट तो अपन जानते हैं, यहाँ पे स्क्वायर पुट करें ये म्यू नॉट अपॉन टू आर, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा ये क्यू इंटू एन, क्लियर। फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन रखिए, क्यू इंटू एन ये बन जाएगा रिजल्ट। म्यू नॉट को चाहो तो रख दो 4π × 10⁻⁷, यहाँ रखने चलो 4π × 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू डिवाइड बाय 2R, ठीक है, इंटू क्यू एन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे 4 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, क्या गया 2π, क्या गया ऊपर तो 2π, ठीक है, क्यू एन अपॉन आर इंटू 10⁻⁷। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2π qn upon r into 10⁻⁷, ये आ जाएगा रिजल्ट थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, मेडिकल में इसी लेवल के आते हैं बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया, आगे देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कह रहा है कि इसमें इस टाइप से एक वायर है, उसके ऊपर यहाँ से बैंड कर रखा है, ठीक है, फिर यहाँ से आगे जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। आपको सेंटर बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो यहाँ पे इसमें ये तो एक सर्कुलर लूप है, मतलब एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से हम देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस सर्कुलर लूप की वजह से, देखें, ठीक है, यहाँ पे हम देखें नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी ओ इज इक्वल टू बी बाय लूप, ठीक है, प्लस बी बाय वायर, ठीक है, दोनों का इफेक्ट हमें देखना है, ठीक है, स्ट्रेट वायर बी बाय लूप प्लस बी बाय स्ट्रेट वायर। तो बेटा देखो बी बाय लूप अपन देखें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिंगर्स घुमाइए ऐसे आई के लॉन्ग, हम किधर आ रहा है इनवर्ड, ठीक है। मिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप, इस धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां आ रहा है, अंदर की तरफ, ये तो अंदर की तरफ है, ठीक है, वायर। तो जो यहाँ पे देखो थंब को रखेंगे आई के लॉन्ग इस तरह से, फिंगर्स को रखा तो चपेट की तरह आएगा आउटसाइड में, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड। अब देखिए चलो पुट करते हैं लूप के कारण, ठीक है, लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, मे नॉट आई अपॉन टू आर, मे नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है। एंड बच्चों स्ट्रेट वायर देखिए, यहाँ पे हाफ वायर है और यहाँ पे हाफ वायर है, हाफ वायर में क्या बन जाएंगे, एक सिंगल वायर बन जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ लेंथ इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, ठीक है, इधर भी इन्फिनिटी है, दोनों तरफ लेंथ इन्फिनिटी है। तो उसके लिए हम जानते हैं आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर, बट यहाँ पे बच्चों मैं माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर ये अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम कॉमन ले लें, देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं μ0 I upon 2πr कॉमन ले लिया मैंने, μ0 I upon 2πr कॉमन ले लें, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, ये आएगा π - 1। तो यहाँ पे μ0 I upon 2π कॉमन ले π - 1, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा तो वही μ0 I upon 2πr ब्रैकेट में π - 1, ये आंसर आ जाएगा इसका सेकंड, ठीक है। तो इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। आपसे क्या पूछूं, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट टी व्हिच इज डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इज 10⁻⁸ टेस्ला, मतलब एक स्ट्रेट वायर है उससे बच्चों यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है। आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या होगी आपको बतानी है। बेटा देखो कोई भी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होता है उसके लिए अपन जानते हैं B इज इक्वल टू क्या होता है, मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर, होता नहीं होता, मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर। मीन्स यहाँ से आप देखिए B इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटा, 1 upon r, B इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon r के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन फाइंड करें मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी, यहाँ से देखिए बी डैश अपॉन बी करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आर अपॉन आर डैश, ठीक है, आर अपॉन आर डैश ये बनेगा रिजल्ट। अब यहाँ पे डिस्टेंस पहले कितनी थी बेटा, यहाँ पे 4 थी, अब हमने कितनी कर दी यहाँ पे 12, पहले 4 थी डिस्टेंस, अब यहाँ पे आपने 12 कर दी है, मतलब कितनी कर दी यहाँ पे 1/3 टाइम्स, की 4 थी या 12 तीन बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से बी डैश फाइंड करें तो बी डैश इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन थ्री, और बी हमें दे रखा है यहाँ पे 10⁻⁸ डिवाइड बाय 3 टेस्ला, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो देखो डिवाइड करने पे कौन सा बनता है रिजल्ट, आ जाएगा फर्स्ट आंसर 3.3 × 10⁻⁹ टेस्ला, ये बनेगा रिजल्ट इसका।
ठीक है, ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स के आपसे देखो यहाँ पे द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए स्मॉल करंट कैरिंग लूप इज दिस, मतलब आपको कैपिटल एम की वैल्यू गिवन है और जो यहाँ पे स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, तो चलो जब भी स्मॉल करंट कैरिंग लूप होता है ये किसके तरह बिहेव करता है, एज ए स्मॉल बार मैग्नेट, एक छोटे छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, स्मॉल करंट कैरिंग लूप मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है, बिहेव्स एज स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक है, स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, स्मॉल बार मैग्नेट मतलब छोटे छड़ चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। और अपन जानते हैं छोटे छड़ चुंबक के लिए अक्ष पे एंड निरक्ष पे मीन्स इक्विटोरियल एक्सिस पे एंड एक्सियल पोजीशन अपन जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। एक्सियल पोजीशन पे क्या होती है 2KM/r³ एंड इक्विटोरियल पोजीशन पे होती है निरक्षीय स्थिति पे क्या होती है KM/r³। तो ये आपसे पूछा है कहां निकालना है बच्चों, एंड ऑन एस एक्सिस, एक्सिस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम देखें बी एक्सिस, एक्सिस पे जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2KM/r³, 2KM/r³ इसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहां से देखिए 2K तो हमें कितना दे रखा है यहाँ पे K की वैल्यू, यहाँ पे K तो खैर अपन जानते हैं 9 ये मतलब 10^-7 तक K तो कांस्टेंट है 10^-7, M गिवन है आपको ये रहा M 2.1 × 10^-15, ठीक है, सॉरी 25, ठीक है 10^-25 डिवाइड बाय R क्यूब, डिस्टेंस R कितनी गिवन है आपको यहाँ पे, डिस्टेंस गिवन है 1 angstrom मतलब 10^-10^3। बस अब इसको सॉल्व करके अपन आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। कहां पर निकाला बच्चों अपन ने, एक्सियल पोजीशन पे, ऐसे ही इक्विटोरियल पोजीशन में निकालना है तो भी निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे ये स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल है, हमने यहाँ पे कहां निकाला है मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सियल पोजिशन पे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे निकाला है। अगर आपसे इक्विटोरियल पोजिशन यहाँ पूछता है इस तरह से तो यहाँ पे अपन निकाल सकते थे। ठीक है, तो कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे अपन ने लगाया 2KM/r³, यहाँ लगाएंगे KM/r³ वाला फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट पॉइंट ऑन एक्सिल लोकेटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द, देखो यहाँ बच्चों वापस वही कंडीशन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर दिया हुआ है, मतलब वही स्मॉल कॉइल। ठीक है, मतलब डिस्टेंस की जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में वेरी लार्ज है, मतलब स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल की ही बात कर रहा है। तो यहाँ बच्चों वही लगाना फॉर्मा बी इज इक्वल टू मे नॉट, बी इज इक्वल टू 2KM/r³। ठीक है, 2KM/r³। ठीक है, एक्सिस पोजिशन निकालना है, यहां से देखें बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1/r³, तो कौन सा आंसर जाएगा इसका, ये फोर्थ, ये अपन टिक कर सकते हैं इसको। क्लियर, चलो अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ लॉन्ग सोलेनोइड हैज रेडियस ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन, मींस यहां पे टर्न डेंसिटी गिवन है आपको एन, ठीक है घेरा घनत्व दिया हुआ है, इफ इट कैरी करंट आई देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, ये होता है बी इज इक्वल टू मे नॉट एन आई। ठीक है, तो यहां से आप देखिए बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा एन आई, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड, बी इज प्रोपोर्शनल टू एन आई, ये अपन टिक कर सकते हैं। ठीक है, आई बस समझ में, चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द डीसी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज टू ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट विल बी, मतलब बच्चों यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है मीन जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होती है, जैसे अपन जानते हैं बेटा देखो इस तरह कह रहा है आपसे, यहाँ पे इस तरह से करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है जो कि इस वायर के तल के लंबवत है। ठीक है, मीन सर्कुलर, सर्कुलर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, इसका आंसर आएगा थर्ड आएगा इसका आंसर, इससे अपन समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अराउंड दिस वायर। क्लियर, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या बच्चों यहाँ पे, अ वर्टिकल वायर कीप्ड इन जेड एक्स प्लेन, मतलब इससे बच्चों करंट कैरिंग वायर है, आपसे पूछा इस वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए थंब को रखे आई की तरफ, फिंगर्स को ओ की तरफ रखेंगे, तो चपेट की आ रहा है इस तरफ आ रहा है चपेट, मतलब वाई डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है इस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किधर आ रहा है ओ वाई डैश के अलोंग, तो ओ वाई डैश मतलब फोर्थ आंसर ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन 11 में यहाँ देखिए, ये एक यूनिफॉर्म वायर है, एक समरूप तार है, इसको अपने एक सर्किल की फॉर्म में इस पे बैंड कर रखा है, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसमें करंट एंटर कर रही है, इधर से यहाँ से टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ से करंट इधर भी गई, ठीक है, फिर यहाँ से करंट बाहर निकलेगी। आप एक जानते हो बच्चों, जब भी इससे कोई करंट कैरिंग लूप होता है जिसमें एक तरफ से करंट एंटर कर रही है और दूसरी तरफ से करंट बाहर निकल रही है, तो उस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, जीरो। क्यों होता है जीरो? जितना इफेक्ट यहाँ पे इस वायर का पड़ता है उतना इफेक्ट नीचे वाले पोर्शन का पड़ रहा होता है, ठीक है। मीन सेंटर पे जितना इफेक्ट इस वाले पोर्शन का पड़ेगा उतना इफेक्ट नीचे वाले पोर्शन का पड़ेगा, दोनों इफेक्ट सेम होते हैं एंड डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जीरो। सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है, नेट चुंबकीय क्षेत्र जीरो रहता है, तो क्या टिक करेंगे इसका आंसर, यह आ जाएगा फर्स्ट जीरो, ठीक है। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए करंट आई फ्लोस अलोंग द लेंथ ऑफ ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट एंड थिन वॉल्ड पाइप। तो बच्चों इस तरह कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक पाइप है, होलो पाइप है ये इस तरह से, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसके मटेरियल पे इस तरह बच्चों करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे इसमें, ये जो ये शेल ग्रुप में पाइप है, एक तरह से पाइप है, यहाँ से करंट इसमें धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अपन जानते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, यहाँ पे केवल इसके बाहर उपस्थित होता है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी आउट जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, बी आउट नॉट इक्वल टू जीरो, अंदर सब जगह बी इन कितना होता है बेटा जीरो, इस पाइप के अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ओनली आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, अंदर सब जगह कितना है जीरो, ठीक है। कहां पे पहला ऑप्शन क्या है, पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, गलत बात है, अंदर तो जीरो है, ठीक है, पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, बिल्कुल ये करेक्ट है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, ठीक है। क्या आंसर टिक करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सेकंड, ये आ जाएगा इसका आंसर सेकंड, ठीक है। चलो अब आगे देखें इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, बी के बारे में आपको डायमेंशन बतानी है। तो चलो देखो डायमेंशन के लिए हम जानते हैं डायमेंशन किससे निकल के आती है, फॉर्मुले से, और फॉर्मुला आप ऐसा यूज करिए जिसमें आपको बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी, ये तो फॉर्मुला ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स करंट एंड लेंथ इन सभी की डायमेंशन पता है, तो बी इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा एफ अपॉन आई एल, ठीक है, फोर्स के बारे में पता है एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है, एम एल टी माइनस टू बचपन से जानते हैं आप, ठीक है, करंट आई, आई के लिए क्या लिख लेंगे एम्पियर ए एंड लेंथ एल, ठीक है, तो एल से एल कट गया, क्या गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, तो कौन सा आंसर आ गया ये सेकेंड, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे निकाल लेंगे अपन, क्लियर। चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट। अरे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है, ठीक है, मतलब आपसे क्या कह रहा है, मुझे इस तरह कह रहा है बेटा ये इस तरह से ये करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है, इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है टू टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ठीक है, मतलब ऊपर टू रूट टू आता है, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एवरी साइड अगर यहाँ पे ए है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये होगा, ठीक है, टू रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है कई बार। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15, मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड हम किस किस से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के एक तो क्या है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता है, मूविंग चार्ज से हो सकता है, ठीक है, इससे क्या टिक करेंगे बोथ ऑफ देम, तो कहां से टिक करेंगे बच्चों फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे मूविंग चार्ज से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता ही है, क्यों, कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में तो एक करंट की तरह बिहेव करेगा और करंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी वजह से एक यहाँ पे क्या प्रोड्यूस जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही अगर बच्चों कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मीन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन टाइम के साथ अगर विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और बच्चों ऐसे ही अगर मान लो टाइम के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो दोनों एक दूसरे का जनक होते हैं, मतलब एक दोनों का प्रोडक्शन का कॉजेस बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा बोथ ऑफ दीज, ठीक है, तो टिक कर लेंगे 15 का फोर्थ, ठीक है। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट प्लेस इज 60 डिग्री, ठीक है, मीन आपको एग्जैक्ट डिप का एंगल दिया है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि अपरेंट डिप इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मीडियन इज, मीन यहाँ पे आपको एक तरह से एक वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मीडियन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, उसमें वर्चुअल डिप एंगल फाइंड करना है, तो बेटा वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है tan थीटा डैश, थीटा डैश क्या बेटा यहाँ पे वर्चुअल डिप एंगल,
ठीक है, इज इक्वल टू होता है टेन थीटा मीन एग्जैक्ट डिप एंगल, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस अल्फा, अल्फा यहाँ पे एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस वर्टिकल प्लेन, ठीक है, तो आप देखो टेन थीटा, थीटा में कितना दिया 60 डिग्री, टेन 60 है, थीटा 60 डिग्री है, एंड बच्चों अल्फा जो है ये हमें कितना की बने, अल्फा ये की बने 30 डिग्री, बस वैल्यूज पुट करनी है, टेन 60 रूट 3 एंड कॉस 30 डिग्री क्या होता है रूट 3 बाई 2, ठीक है, रूट 3 कट जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, तो टेन थीटा डैश इक्वल टू 2, तो थीटा डैश इक्वल टू क्या जाएगा टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2, तो कौन सा आंसर आगे बेटा ये सेकेंड, ठीक है, इससे अपन सेकेंड आंसर टिक कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, चलो अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस पॉइंट इन ए सेम डायरेक्शन, मीन इस तरह से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन अप्लाई किया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को, आपसे कह रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट किया किधर, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन ने इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया, इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वी, तो आपसे कह रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी वेलोसिटी पे, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका तो इस पर फोर्स कितना होगा जीरो, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से फोर्स लग गया यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, इस पार्टिकल पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यूई, ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यूई इस तरह से एक्ट होगा, जो कि वेलोसिटी को क्या करेगा जो डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो हम फोर्थ आंसर टिक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं, चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ बार मैग्नेट हैज कोएर्सिविटी 10^4 × 10^3 एम्पीयर पर मीटर, ठीक है, इट इज डिजायर्ड टू डीमैग्नेटाइज बाय एंटरिंग इनसाइड सोलेनोइड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग 60 टन्स, ठीक है, मतलब बच्चों एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट उसको हमें क्या करना है डीमैग्नेटाइज करना है, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल एच अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो आपको इसके अंदर ये इसकी ये क्या दे रखी है कैपिटल एच दे रखी है, मतलब इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें इतना कैपिटल एच अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ती है इतनी एम्पीयर पर मीटर फॉर्म में, तो जो हमें कितना करंट फ्लो करना पड़ेगा सोलेनोइड में ये आपसे पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो सोलेनोइड की वजह से जो एच की वैल्यू होती है हम जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन म्यू नॉट, ये आप जानते हैं रिलेशन, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और डिवाइड बाय म्यू नॉट करोगे तो यहाँ पे म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो एच इक्वल टू क्या बेटा एन आई, यहाँ से हमें करंट फाइंड करनी है, ठीक है, इस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा आई इज इक्वल टू एच बाई एन, रख दो एच बाई एन की वैल्यू, एच हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 4 × 10^3, ठीक है 4 × 10^3, ठीक है एन, टर्न डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 60 टन से 12 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो पर मीटर में कितने जाएंगे 16 × 60, यहाँ पे क्या करें टर्न डेंसिटी क्या होती है टोटल टन अपॉन डिस्टेंस लेंथ, टोटल टन अपॉन लेंथ, ठीक है, यहाँ पे 60 टन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड गिवन है, तो 60 × 12 × 10^-2 कर दो, ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, n इज इक्वल टू टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, 12 × 10^-2 की फॉर्म में, तो उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो आ जाएगा रिजल्ट 8 एम्पीयर, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें 8 आंसर बन जाएगा, ये ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर चुंबकीय बल क्या होगा, मीन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आप जानते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपको इससे पहले समझाया था मैंने आपको कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी पैरेलल है सेम डायरेक्शन में या 180 डिग्री एंगल पे है तो उस केस में फोर्स की क्या होती है जीरो, क्यों, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्या होता है बेटा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा अगर जीरो डिग्री है तो फोर्स भी क्या आएगा जीरो, ठीक है, तो क्या टिक करेंगे जीरो इफ बी एंड वी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, इफ बी वी एंड वी आर पैरेलल दोनों अगर समांतर हैं तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का जाएगा जीरो जाएगा, तो फोर्थ आंसर अपन इसका टिक कर सकते हैं, चलो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों समान चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, विद सेम स्पीड इफ प्रोटॉन टेक्स 25 माइक्रोसेकंड टू मैक्स 5 रिवॉल्यूशन, ठीक है, मतलब 25 सेकंड फॉर मैक्स 5 रिवॉल्यूशन, मतलब 5 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है इसको 25 सेकंड, तो 1 रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लग गया, मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा 5
माइक्रो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वन रिवोल्यूशन का टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, कहां से इसकी हेल्प से अपन देखें, यहां से इसकी हेल्प से निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 25/5 = 5 माइक्रो सेकंड। ठीक है, 5 माइक्रो सेकंड इज टाइम पीरियड। ठीक है, देन पीरियडिक टाइम फॉर अल्फा पार्टिकल विल बी, अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब देखिए टाइम पीरियड का फॉर्म अपन जानते हैं 2πm/qb, पढ़ा होगा आपने बचपन में ये 2πm/qb। ठीक है, यहां से हम देखें टी इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या होता है बेटा, m/q। ठीक है, अब चाहे एक प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, हम देखें प्रोटोन का जो मास होता है बेटा, प्रोटोन का मास कितना होता है, 4 times होता नहीं होता, प्रोटोन का मास यहाँ पे 4 times होता है, एंड चार्ज कितना होता है, 2 times ऑफ प्रोटोन, सॉरी अल्फा पार्टिकल करो, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 times ऑफ प्रोटोन, एंड चार्ज होता है 2 times ऑफ प्रोटोन, मतलब 2 गुना। ठीक है, कहां से इसको अपन देखेंगे, 4/2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 times। ठीक है, 2 times मतलब 2 गुना, 2 times 2 गुना आएगा रिजल्ट, यहाँ पे 2 times कर दो, पहले कितना था टाइम पीरियड 5, अब इसका नया टाइम पीरियड क्या जाएगा, tα = इस तरह tα क्या हो गया, ये हो गया 2 × 5 माइक्रो सेकंड, मतलब 10 माइक्रो सेकंड आ जाएगा इसका रिजल्ट, 10 माइक्रो सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन है 10 माइक्रो सेकंड, यह आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ऐसे अपन थर्ड आंसर का टिक कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 यार, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 21। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन, तो बच्चों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन जब भी रेस्ट कंडीशन में, इसकी वेलोसिटी क्या बेटा, जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो हम देखें F = आता है qvb, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे फोर्स कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो जो मोशन स्टार्ट ही नहीं होगा, F = 0 है, तो दिस इंप्लाइज का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, A = 0 एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होगा पार्टिकल, कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लो, कितना भी हाई लेवल का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें क्या जाएगा इसका रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखिए क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिस्क्राइबिंग सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, मींस रेडियस यहां पे सेम है सर्कुलर पाथ की, सेम प्लेन विद सेम बी वेक्टर इज, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो अच्छा देखो R = तो बच्चों पहले एक तो क्या न्यूट्रॉन दिया है और एक क्या दिया आपको यहाँ पे प्रोटॉन, देखिए एक तो न्यूट्रॉन बोला गया है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया इसके अंदर प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में आपको बताना चाहिए। देखो प्रोटॉन के लिए यहाँ पे चार्ज क्यू एंड मास एम है, तो बच्चों न्यूट्रॉन के लिए चार्ज तो यहाँ पे क्यू होता है एंड मास क्या होता है बेटा यहाँ पे 2m। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर बच्चों एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसलिए मास यहाँ पे क्या होगा डबल हो जाता है। चलो अब देखिए आर की बात करें बच्चों, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, R = √2me, ठीक है, √2me/qb ये अपन जानते हैं, R = mv/qb होता है, mv इज मोमेंटम, मोमेंटम को कहते हैं √2me/qb, ये आपको सेम दे रखा है क्या नहीं है, ये आपको सेम दिया है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूं तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर करके अपन ई निकालेंगे, तो E = क्या बेटा, देखिए E = आ जाएगा R² Q² B² / R² Q² B² / 2m, ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखते हैं चार्ज दोनों का सेम है, केवल मास यहाँ पे डिफरेंट है, मीन्स E = क्या बेटा 1/m, E = 1/m आएगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे प्रोटोन के बारे में देखें, तो न्यूट्रॉन का मास तो कितना है 2m, प्रोटोन का मास कितना है m है, ठीक है, मतलब आधा है, तो प्रोटोन का मास यहाँ पे हाफ है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे E = 2x E µ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटोन का मास हाफ है, इसलिए प्रोटोन की एनर्जी डबल होगी, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी थी 50, तो यहाँ कितनी आएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, √100 kilo electron volt, तो कौन सा टिक करेंगे आंसर, फोर आंसर आ जाएगा इसका आंसर। ओके, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 है लॉरेंट्ज़ फोर्स बताना है आपको क्या होता है। देखिए चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंट्ज़ फोर्स किसे कहते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं, मतलब एक साथ आरोपित किए जा रहे हैं, तो नेट जो फोर्स उसे बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो यहाँ पे देखिए F =
क्या कौन कौन सा फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो हम जानते हैं क्या होता है, क्यू ई वेक्टर, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या होती है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां से इसमें से हम क्या ले लें, कॉमन क्यू कॉमन ले लें, तो क्या जाएगा, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो कौन सा आंसर टिक करोगे इसके अंदर, यह आ जाएगा फर्स्ट, क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आप ध्यान रखें इसका, क्लियर। चलो अब देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन 24 अगर बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, दोनों की तीनों सभी को अपन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज, और जो काइनेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे, ठीक है, जो अपन पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो प्रोटोन, देखिए प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैं, इन तीनों पे देखें, प्रोटॉन पे चार्ज q, मास m है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज q होता है, मास 2m, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2q एंड मास कितना होता है बेटा, 4m, ये अपन जानते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा इट इज इक्वल टू q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे q पर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो के ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, q है, ठीक है। तो q के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 1:1:2 ये बन जाएगा रेशो, ठीक है, इस तरह क्या जाएगा रेशो, इसलिए यहाँ पे रेशो जाएगा 1:1:2, क्योंकि क्यू क्यू टू क्यू करेंगे तो 1:1:2 ये बनेगा रिजल्ट, तो कौन सा आंसर आएगा, फोर्थ, ठीक है, आई वे समझ में। चलो अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है देखो, 25, करंट कैरिंग लॉन्ग सोलनॉइड इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, प्रोटॉन इज फॉलिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलनॉइड विद वेलोसिटी वी। देखिए बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, इस तरह एक सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलनॉइड है, ठीक है, अपन जानते हैं इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी एक्सिस का लॉन्ग होता है, ठीक है, बच्चों इस तरह से वायर है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर सोलेनॉइड, यहाँ पे सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड आपको दिखा रखी है, इसमें सोलेनॉइड, बट इस सोलेनॉइड में इस तरह करंट फ्लो रही है, हम देखें इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपर डायरेक्शन वाले, इस तरह से ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड इट मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। अब जो देखो यहाँ पे इसमें हम जो प्रोटॉन को इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन को इसमें गिरा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, प्रोटॉन को इसके अंदर इस तरह से आप गिराओगे वेलोसिटी वी, तो यहाँ से आप देखिए ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड बी वी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री, और जब तक थीटा 180 डिग्री है, थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, ठीक है, या अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर लेते तो 0 डिग्री भी आ सकता था, ठीक है, और 0 डिग्री भी पॉसिबल है, 0 डिग्री, बट यहाँ पे इसके अंदर एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब जो साइन 0 डिग्री हो या साइन 180, फोर्स कितना था बेटा 0, ठीक है, 0 फोर्स लग गया, तो आपने जो पार्टिकल है ये सीधा बच्चों विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना विचलित हुए सीधा ही नीचे गिरेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी पे, डायरेक्शन भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, फोर्थ, ये टिक कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन 26 अगर आपसे, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सम इंस्टेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल, मतलब स्मॉल एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी, तो बेटा देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, इस तरह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में बी वेक्टर में पार्टिकल कुछ इस तरह से एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी वी एट एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ से इसका एंगल ये थीटा है विद वेलोसिटी, तो अपन जानते हैं तो एंगल 0 डिग्री है तो पाथ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, एंगल 90 डिग्री है तो पाथ बनता है सर्कुलर, बट एंगल ना तो 0 है ना 90 है, इस तरह से कोई एंगल है तो यहाँ पे पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, जिसे क्या होता है हेलिकल पाथ, इस हेलिकल पाथ के थ्रू पार्टिकल इस तरह मूव करेगा, ठीक है, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे इसके अंदर, पाथ हेलिकल मिस, और यहाँ पे पिच, पिच किसे बोलते हैं बेटा इसको, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, और पिच सब में क्या आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है, जितनी पिच यहाँ पे उतनी यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे पिच वाला चूड़ी अंतराल जो है फिक्स है, तो क्या जगह यहाँ पे समरूप पिच की कुंडलिनी पथ बनेगा, हेलिक्स पाथ, ठीक है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27, वन प्रोटोन बीम एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस नॉर्मली स्पेसिफिक चार्ज आपको गिवन है, व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क्राइब बाय इट, तो जो सर्किल की रेडियस आपको फाइंड करनी है सर्कुलर पाथ की, तो आर इज इक्वल टू अपन जानते क्या होता है बेटा, एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है, एम वी अपॉन क्यू वी, तो यहाँ पे एम अपॉन क्यू के इनवर्स को बोला क्यू बाई एम, क्यू बाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश, किसे बोलते हैं,
क्यू बाई एम को, तो यहां से इस क्यू बाई एम को अगर अपन एस के अकॉर्डिंग रख दे इस क्यू बाई एम को, तो क्या बन जाएगा ये जाएगा वी अपॉन एस बी। एस यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज है, बस आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, वेलोसिटी रख दो 10^7, ठीक है। यहाँ पे एस विशिष्ट आवेश जो है 10^11 है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको 10^-4, ठीक है। तो इस 10^-4 ऊपर ले जाएंगे 10^11, ये नीचे भी 10^11 कट के क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या आंसर सेकंड 1 मीटर, ठीक है। ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन इन द साइक्लोट्रॉन इज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव, देखो अब यहाँ पे साइक्लोट्रॉन हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू घूमता है, ठीक है, और फाइनली जो बाहर निकलता है उसकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ की रेडियस किसके बराबर होती है, उस साइक्लोट्रॉन की रेडियस के इक्वल होती है, इसे हम आर नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो साइक्लोट्रॉन के इक्वल है, तो यहाँ पे आर नॉट इज इक्वल टू, अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी रूप में √2mE/qB, ये अपन यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ई निकालना है, तो दोनों तब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर निकालेंगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन में 2m, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे, थर्ड, तो थर्ड आंसर इसको अपन टिक कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपसे, यहाँ पे 4 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 2 मीटर, बच्चों एक निश्चित लंबाई दे रखी है, फिक्स लेंथ दे रखी है, फिक्स लेंथ की वायर की हेल्प से अपन ये डिफरेंट डिफरेंट शेप बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये आयताकार शेप होगी, रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलर शेप बना रहे हैं, तो आपसे कह रहा है किस कंडीशन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मतलब सॉरी मैग्नेटिक यहाँ पे कपल है, बल अधिकतम लग गया, टॉर्क मैक्सिमम लग गया, ये बताना है। तो चो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जब भी हमें फिक्स लेंथ गिवन है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप में अगर बेंड कर रहे हैं, अलग अलग आकृति मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया होता है सबसे ज्यादा किसका बनता है, सर्किल का, ठीक है। सर्किल का एरिया यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और फिर अपन जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू बी आई एन ए, ठीक है। चलो टर्न्स यहाँ पे 1 है तो हम आई यहाँ पे हम बोलते हैं बी आई ए बोल सकते हैं, जो टॉर्क लगेगा बलागुण का मान, मीन्स बलागुण जो है मतलब टॉर्क जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है एरिया, और बच्चों सर्किल का एरिया क्या बनता है मैक्सिमम, यहाँ पे सर्किल का एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो ए सर्किल, सर्किल का एरिया क्या बेटा मैक्सिमम है, एरिया ऑफ सर्किल इज मैक्सिमम, ठीक है। सर्किल का एरिया मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क भी क्या होगा मैक्सिमम, तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखते हैं बी आई एन ए लिखते हैं ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहा बेटा ए, तो दिस इंप्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम किस पे लगेगा सर्किल पे, तो कौन सा आंसर आएगा उसका 4th, ठीक है। कपल ऑन लूप एस विल बी हाईएस्ट, ठीक है, ऐसे अपन को समझ सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखें 30, क्वेश्चन 30 ईयर आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द लॉन्ग 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखे हैं आपको इस तरह से, ठीक है, इनमें करंट दे रखी 15, 10, 5 एम्पीयर। आप सोचा सी पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो उस केस में हमें यहाँ पे बताना है डिस्टेंस एक्स क्या होगी, डिस्टेंस एक्स क्या होगी हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वायर है ये डी वायर इस सी को क्या करेगा अट्रैक्ट अपनी तरफ, इस तरह से ये अप्लाई होगा फोर्स बाय डी इस तरह से एक्ट होगा, ये बी और सी में भी करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में एफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड अगर बराबर हुए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू, अगर एफ डी इज इक्वल टू एफ बी कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों फोर्स ऑन यूनिट लेंथ अपन जानते हैं क्या होता है, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल मी नॉट आई वन आई टू अपॉन 2πD इसका यूज कर रहे हैं, तो देखिए मी नॉट आई वन मतलब यहाँ पे 15 है, मी नॉट आई वन आई टू इसमें कितनी है 5 अपॉन 2πD, मी नॉट आई वन आई टू अपॉन 2πD की हेल्प ले रहे हैं, अब इसको सॉल्व करके आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो देखो मी नॉट कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2π ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 15 है एंड यहाँ 10 है, तो उसको अपन कैंसिल करते हैं 5 से, 5 3 = 15, 5 2 = 10, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को तो मल्टीप्लाई करो 2x हो गया, ये 2x इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 3 × 15 45 माइनस 3x, तो यहाँ पे कितना बेटा यहाँ पे ये हो गया 9, 5x = 45
वहां पे x इक्वल टू क्या जाएगा 9, x इक्वल टू 9 ये आ जाएगा, तो कौन सा टिक करेंगे, फर्स्ट आंसर x इक्वल टू 9, ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अ पावर लाइंस लाइन लाइज अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पूरा पश्चिम की दिशा की तरफ एक यहाँ पे पावर लाइन है। ठीक है, अब से कह रहा है कि इसमें डायरेक्शन दे रखी 10 एम्पियर करंट है ईस्ट वेस्ट के अलोंग, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ टेस्ला इज, सोचो हमें इस पे बल का मान निकालना है। ठीक है, फोर्स का मान निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं आईएलबी, एफ इज इक्वल टू आईएलबी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू आईएलबी होता है, बी यहां पे कौन है अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड वो अप्लाई हो रहा है, एफ इज इक्वल टू आईएलबी का यूज करें तो करंट कितनी है 10 एम्पीयर। लेंथ हमें दे रखी कितनी, लेंथ सी बेटा इसकी लेंथ आपको दे रखी है इसके अंदर पर यूनिट मीटर बोला है, तो पर मीटर बोला है तो लेंथ को 1 रख दो। डी एच की कितनी है 10⁻⁴, 10⁻⁴ ये बोली गई है। ठीक है, देखो दोबारा बच्चों करंट यहाँ पे 10 एम्पीयर है, लेंथ पर मीटर में 1 मीटर की लेंथ दे रखी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴ है, तो कट के कितना आ जाएगा आंसर 10⁻³, तो कौन सा आंसर आ गया 10⁻³ न्यूटन, ये अपन टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या गया इसका आंसर 31 का, क्लियर। तो देखो बच्चों अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको 31 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बीम एंड प्रोटॉन मूव्स आर प्रोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बीम ऑफ प्रोटॉन है, दोनों पैरेलल मूव कर रही हैं। ठीक है, इन पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा बताना बच्चों। देखिए यहाँ पे जब भी बच्चों पार्टिकल्स की फॉर्म में अगर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई बीम मूव कर रही होती है तो बच्चों उनके बीच में कूलम्ब फोर्स भी एक्ट होता है एंड मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होता है, बट यहाँ जो कूलम्ब फोर्स है मीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे हम जो रिजल्टेंट फोर्स डिसाइड करते हैं किससे डिसाइड करते हैं कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग, मीन्स दोनों पार्टिकल की नेचर अगर लाइक है। ठीक है, सजातीय आवेश है तो क्या लगेगा उसमें रिपल्शन, एंड अनलाइक नेचर है मीन्स विजातीय आवेश है तो क्या लगेगा आकर्षण। तो ये हमें सोचना है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन दोनों क्या है अनलाइक चार्ज है तो क्या लगेगा बच्चों उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट ईच अदर यह जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आई बात समझ में, क्या आएगा रिजल्ट अट्रैक्शन, चलो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है। चलो अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे थे, देखो आयरन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, देखो आपको क्या है आपने वायर को इस तरह बेंड कर दिया सेमी सर्किल की फॉर्म में। ठीक है, इसकी लेंथ अपन जानते हैं लेंथ इसका हमारे की पाई आर, सेमी सर्किल है लेंथ क्या आएगी पाई आर, आर इज रेडियस। ठीक है, आर इसकी रेडियस है। ठीक है, आर इसकी रेडियस है इसकी, यहाँ पे लेंथ पाई आर हो गई। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे एस पोल एन पोल इससे होंगे, एस पोल ये होगा एन पोल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस एल डैश है, एल डैश इक्वल टू कितनी होगी बेटा ये एल डैश की वैल्यू यहाँ पे 2R है कि नहीं है। और फिर अपन जानते हैं एम डैश इक्वल टू क्या था बेटा, एम डैश इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू एल डैश। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ बिटवीन एस एंड एन, डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एन, यहाँ से एल डैश हमें कितना दिख रहा है 2R, एल डैश को रख दो 2R। अब यहाँ पे देखिए इस R की वैल्यू पुट करें, R की वैल्यू यहाँ से देखिए एल इज इक्वल टू पाई आर, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा एल अपॉन पाई, इस R को रख दे एल अपॉन पाई। अब देखिए यहाँ बच्चों इसमें 2 अपॉन पाई तो आगे आ गया 2 अपॉन पाई, फिर ये एम इंटू एल, अब ये एम इंटू एल, एल क्या लेंथ, यहाँ से तक की लेंथ एल है। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एम से, तो क्या जाएगा 2 एम अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ बच्चों जनरली कंफ्यूजन क्या होता है, हम सोचते हैं कि यहाँ पे m इंटू टू एल की वैल्यू m होती है। ठीक है बच्चों, स्मॉल m इंटू टू एल को हम कैपिटल m रखते हैं तब रखते हैं बेटा जब यहाँ पे हाफ डिस्टेंस होती है, आधी दूरी का मान l हो, यहाँ तो पूरी दूरी ही आपको l दे रखी है और यहाँ से तक पूरी लेंथ ही आपको l दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल m इंटू एल को हम रखेंगे कैपिटल m। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पुट कर लेंगे तो क्या जाएगा आंसर 2m अपॉन पाई, ये आ जाएगा इसका आंसर थर्ड। ओके चलो अब देखें आप इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, आपसे इफ मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, देखो इस तरह क्या होता है, एक मैग्नेट है उसको अपन ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से, यहाँ से फिर यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इस तरह से उसको 4 पार्ट्स वगैरह अपन डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे जो उसका 1 पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट की बात करें 1 पार्ट, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या हो गया बेटा हाफ हो गया, ये पूरा एरिया यहाँ पे ए था, ये एरिया क्या हो जाएगा ए बाई टू, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका अनुप्रस्थ काट है हाफ हो गया है, तो अपन जानते हैं m इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा a होता है, तो इसकी जो m डैश है ये क्या हो जाएगी a बाई टू हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो a डैश है इसका ईच पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है a बाई टू हो गया है, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ m बाई टू हो जाएगी, तो कौन सा आंसर टिक करेंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर इसको अपन टिक कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखें 35
35 क्वेश्चन है, जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस फॉर्म ए शॉर्ट बार मैग्नेट इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स पोजीशन इज, मतलब यूं कह रहे, देखिए ये एक छोटा बार मैग्नेट है, ठीक है, एक तो इस पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक तो एक्सियल पोजीशन है और एक इक्विटोरियल पोजीशन, बच्चों एस एंड एन, यहां आप जानते हो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं बी ए, बी ए इज इक्वल टू, अपन को पता है फॉर्मूला 2KM/R³ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो इक्विटोरियल पोजीशन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, बी ई, इस बी ई क्या होता है KM/R³, ठीक है, तो इन्हीं पोजीशन पे ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ठीक है, मतलब बी ए हमसे बी ई पूछा, बी ए अपॉन बी ई, बी ए अपॉन बी ई इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 2/1, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो क्या जाएगा आंसर 2/1 थर्ड आंसर, ठीक है, तो ये जो एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन अक्षीय स्थिति, इसे हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, और ये जो निरक्षीय स्थिति है इसे क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति। चलो अब देखें यहाँ पे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 36, क्या है 36, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, तो जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं फॉर परमानेंट मैग्नेट, ये तो फिक्स डाटा है, आपको याद होना चाहिए। फिर चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 37, द फिगर बिलो शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन विच टर्म्स ऑफ कॉइल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, रेस्टिंग सच दैट फॉर करंट आई पासिंग थ्रू कॉइल द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहां से यही हमसे कह रहा है कि प्लेन ऑफ कॉइल, तो बेटा प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, ये इसका एंगल गिवन है थीटा विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, कहां से देखिए हम जानते हैं जो एंगल होता है थीटा, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, क्या पूछा आपसे, टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू अपन जो यूज करते हैं, टॉ इज इक्वल टू यहां पे बी आई एन आई ए बी साइन थीटा यूज करते हैं ना, एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहां पे थीटा जो होता है वो क्या होता है, एंगल फ्रॉम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मींस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, तो बेटा वो यहां पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहां पे देखिए इस तरह से ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन जानते हैं लाइन कहां से मीट होती है, नॉर्थ पोल से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, ठीक है, और यहां पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर आएगा, इसका सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर आएगा। अब इसकी ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये सरफेस आपको दिख रही है, सरफेस है बेटा ये सरफेस प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल, ये आपको यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन है थीटा, ये एंगल थीटा गिवन है, बट हमारे जो फॉर्मूला था, जो हमारे फॉर्मूले में ये एंगल यूज करते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो अब देखिए ये एंगल कितना आएगा बेटा, 90 माइनस थीटा आएगा, नहीं आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल यूज होगा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल, तो आप इस फॉर्मूले में हम 90 माइनस थीटा यूज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा की गुड़ी बच्चों कॉस थीटा, क्या बन जाएगा कॉस थीटा, तो एन आई ए बी कॉस थीटा, ठीक है, तो कौन सा आंसर टिक करोगे यहाँ पे, फर्स्ट टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे अपन सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 देखिए, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ बी, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक थ्रू एन एंगल थीटा इज, तो चलो देखो पहले यहाँ पे क्या रखा है, फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीली सस्पेंडेड है तो अपने आपको इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है बी वेक्टर के अलोंग अलाइन करेगा, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, तो यहाँ पे थीटा वन कितना बेटा 0 डिग्री। अब इसको फिर आप रोटेट करके न्यू पोजीशन पे लेके आ रहे हो, कितना रोटेट कर रहे हो थीटा एंगल से, तो थीटा टू इज इक्वल टू कितना बेटा थीटा। फिर अपन जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला, क्या लिखते हैं एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू का अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा वन तो कितना बेटा, ये तो 0 डिग्री दे रखा है आपको, 0 डिग्री एंड ये कितना बेटा थीटा है, कॉस 0 की क्या होती है 1 होती है, कॉस 0 को 1 पुट कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा ये इसका आंसर आ जाएगा, तो कौन सा आंसर आएगा 4, ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए यहाँ पे तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड पूछा आपको, इस रीजन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहाँ पे कोई सी भी सरफेस लेते हैं, देखो यहाँ पे ये टू सरफेस अपन ले लिए, टू सरफेस है, ठीक है, एक ये ले ली सरफेस, एक ये सरफेस, ये टू सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से तक का बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है डेल्टा वी, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको माइनस करोगे इसमें, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 0.1 × 10⁻⁴, ये क्या गया पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पे हम देख रहे हैं बेटा ये तो हाई पोटेंशियल सरफेस है एंड ये लो पोटेंशियल सरफेस है। अब तो जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बेटा इस तरह से आएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इस तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो डिस्टेंस दिख रही है 30 से 40 तक की, यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या है बिटवीन 30 टू 40 सेंटीमीटर में कितनी बनेगी 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जिसे हम डेल्टा आर बोलेंगे, डेल्टा आर, ये डेल्टा आर क्या होगी, देखिए यहां से आप ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है जिसमें ये एंगल 30 है, ठीक है, 30 के सामने परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेनियस, तो किसका यूज करें साइन 30 का यूज करें। तो बेटा को साइन 30 इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस डेल आर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइन 30 कितना होता है 1/2, इसको ले आएंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आएगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए ये तो अपने निकाले डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा आर निकाल लिया डिस्टेंस डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, बिल्कुल वैसे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड थे ना मन पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता, याद है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर या डेल वी अपॉन डेल आर। तो जो मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड अपन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर की हेल्प से निकाल सकते हैं। डेल्टा वी, तो डेल्टा वी यहाँ पे कितना निकाला बेटा 0.1 × 10⁻⁴, ठीक है, एंड डेल्टा आर 5 सेंटीमीटर मींस 5 × 10⁻², ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व कर लो क्या बन जाएगा रिजल्ट, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो गए 2 × 10⁻⁴, ये रिजल्ट आएगा, सोल्व करेंगे इसको तो ठीक है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं इसका मान। चलो काफी अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन 40 यार आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर डब्ल्यू यूनिट्स वर्क ऑफ रिटर्न्स थ्रू 60 डिग्री, मतलब ये पहले मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मींस थीटा 1 कितना है 0 डिग्री है, थीटा 1 यहां पे 0 डिग्री है और इसमें 60 डिग्री से रोटेट करना है, वर्क डन कितना दे रखा है डब्ल्यू। तो अपन जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपको कितना दिया बेटा 0 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो कितना हो गया एम बी बाई 2, ठीक है एम बी बाई 2। तो यहाँ से मैं एम बी की वैल्यू निकालू तो एम बी इज इक्वल टू आएगा बेटा ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, एम बी इज इक्वल टू आएगा ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एम बी आ गया ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, अब हमें क्या निकालना है टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन नीडल इन दिस पोजीशन, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एम बी साइन थीटा, ये भी आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, ये लगा दें, ठीक है। तो एम बी कितना था ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, उसको रख दिया ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा रिजल्ट √3 × W, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा √3 × W, ऐसे मन निकाल लेंगे, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज टर्न इनटू ए सर्कल लूप, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है इसको अपने सर्कल लूप में बेंड कर दिया है, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विद इन एमकेएस यूनिट इज एम, लेंथ ऑफ वायर विल बी, तो बेटा देखो यहाँ पे हमने इसको बेंड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू, देखो आप देखें क्या कह रहे हैं, इसको हम बेंड कर रहे हैं सर्कल के फॉर्म में, तो आप जानते हैं एम इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ए, ठीक है, I into A, एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, एरिया बनेगा पे पाई आर स्क्वायर ग्रुप में, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आर फाइंड करूं तो उसको उधर डिवाइड कर दें, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या जाएगा रूट ऑफ एम अपॉन आई इंटू पाई, ये तो क्या हो गया रेडियस, ठीक है, आई इंटू ए कर दिया तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आर निकाल लेंगे अपन रूट ऑफ एम अपॉन आई पाई। अब देखिए यहाँ पे एल हम इसको जब बेंड कर रहे हैं सर्कल फॉर्म में तो लेंथ कितनी होगी L इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर के रूप में होगा, नहीं होगा 2 पाई आर, आर को रख दो यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है ये रही, ये 2 पाई आर को पुट कर देंगे रूट ऑफ एम अपॉन पाई आई जो दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे इस 2 पाई को उठा के अंदर ऑप्शन में यहाँ पे रूट दिखा हुआ है तो एक काम करें 2 पाई को अंदर ले जाए, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 4 पाई स्क्वायर, अंदर लेके इसको 4 पाई स्क्वायर हो गया एम अपॉन में पाई आई, तो एक पाई से एक पाई काट दो तो क्या होगा 4 पाई एम अपॉन आई, तो 4 पाई एम अपॉन आई कौन सा बन रहा है रिजल्ट सेकंड, तो 4 पाई एम अपॉन आई ये रिजल्ट इसका आ जाएगा आंसर, ओके। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहां पे, इसमें देखिए
क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन 42, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इज अ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ऑन इस एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस 24 एंड 48 दे रखी है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। देखो बच्चों, दोनों के दोनों पोजीशन कहां पे है, इसकी एक्सियल पोजीशन पे, अक्षीय स्थिति पर है, तो हम जानते हैं अक्ष पर जो कहता है मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 2KM/R³ होती है, मींस बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, 1/R³, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³ है, ठीक है। तो यहां से अगर अपन बी ए अपॉन बी बी फाइंड करेंगे, ठीक है, बी ए अपॉन बी बी, तो यहां से क्या जाएगा, ये आर बी अपॉन आर ए पावर क्यू, ठीक है। अब बच्चों बी की डिस्टेंस कितनी रखिए, 48, तो 48 अपॉन 24 करिए, डिवाइड बाय क्यू करें, मतलब पावर सी कर देंगे, तो कितनी बार कट गया, दो बार कट गया, ये दो बार कट जाएगा, तो 2 की घात 3 कितना होता है बेटा, 8 होता है, ठीक है, 8 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है, हम फर्स्ट आंसर निकाल लेंगे इसका, ओके। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 43, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट इज एम इज वी, व्हाट इज पोटेंशियल इफ मैग्नेट मोमेंट एम बाई 4। तो चलो देखो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या होती है, के एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल जो होता है के एम अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक पोटेंशियल हम ऐसे लिखते हैं, मीन्स यहाँ पे वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, एम है, तो हमने एम को यहाँ पे एम बाई 4 कर दिया है, ठीक है, तो इसलिए वी डैश की वैल्यू हो जाएगी वी बाई 4 हो जाएगी, ठीक है, वी बाई 4, क्योंकि एम को आपने एम बाई 4 कर दिया है, तो वी बाई 4 हो जाएगा आंसर इसका, ओके। चलो अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में अगर निडिल इन पैरेलल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मीडियन विल बी रिमेन, तो जो देखो अगर किसी मैग्नेटिक निडिल को बच्चों अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक मीडियन के परपेंडिकुलर अगर आप उसको अरेंज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या कह रहा है, दोबारा देखो, ए डिप निडिल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मीडियन, तो चलो मैग्नेटिक मीडियम अपन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए, तो एग्जैक्ट अगर आप इसको एग्जैक्ट मैग्नेटिक मीडियम में मतलब चुंबकीय आयामोत्तर में इसको आप लटका रहे हो, तो ये एग्जैक्ट डिप एंगल थीटा दर्शाती है, ठीक है, बट अगर आपने कोई अदर प्लेन लिया है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, देखिए जैसे बेटा ये मान लो इसका ये मैग्नेटिक मीडियन है ये, ठीक है, और यहाँ पे कोई अदर प्लेन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, अदर प्लेन, यहाँ से एंगल ये कितना बेटा 90 डिग्री, अदर प्लेन है, तो चलो देखो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या हो, बी एच होता है इस तरफ, ये एग्जैक्ट बी एच है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ ये होता है बेटा बीवी, ये बीवी, ठीक है। अब बेटा इस अदर प्लेन में अगर अपन देखें, इस अदर प्लेन में बीवी की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है दोनों प्लेन में प्रेजेंट है, बट अगर मैं इसका इस तरफ कंपाउंड करूं, इस तरफ किसका, बी एच का, तो इस तरफ जो बी एच डैश निकालेंगे ना, बी एच डैश क्या आएगा, बी एच कॉस 90, कॉस 90 वैसे ये इसका जो कंपोनेंट है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, बट जो बीवी डैश है वो तो इस इधर ही आएगा, बीवी डैश तो बीवी डैश तो इस लाइन के अनुसार ही आएगा, तो बीवी डैश तो यहाँ पे बीवी के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में न्यू डिप एंगल अपन निकाले इस नए वाले प्लेन में tan थीटा डैश, तो tan थीटा डैश इक्वल टू क्या होता है बेटा, बीवी डैश अपॉन बी एच डैश, ठीक है, बीवी डैश अपॉन बी एच डैश करेंगे, तो बीवी डैश तो यहाँ पे खैर बीवी के इक्वल ही है, बट यहाँ पे बी एच डैश कितना है बच्चों, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे कितना बन गया ये इनफाइनाइट, तो थीटा डैश क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, मीन 90 डिग्री से हम देखेंगे जो निडिल है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है, तो क्या जाएगा रिजल्ट, वर्टिकल, ठीक है, मीन्स जो मैग्नेटिक निडिल है बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी एच जीरो हो गया है, केवल बीवी कंपोनेंट बचा है, तो निडिल को पूरा पूरा ऊर्ध्वाधर नीचे तरफ ले आएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा वर्टिकल, यह आएगा रिजल्ट, ठीक है। 44 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 times ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंगल ऑफ डिप, तो चलो देखो यहाँ पे हम जानते हैं एंगल ऑफ डिप के लिए क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच, ठीक है, बीवी अपॉन बी एच, तो आपसे कह रहा होता है यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कितना है √3 times ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, मीन्स बी एच की वैल्यू गिवन है √3 times ऑफ बीवी, ठीक है, मीन्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 times ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, तो √3 times ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट कर दिया तो क्या बीवी से बीवी कट जाएगा, तो 1/√3 किस एंगल पे मान 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, tan थीटा का मान जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो क्या जाएगा रिजल्ट 4th, ये से निकाल लेंगे अपन, ओके। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 46, रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू पोल्स, तो चलो यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, हम जानते हैं अर्थ के अंदर अर्थ ऐसे बिहेव करती है कि इसके अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हो, इस तरह का बिहेवियर होता है अर्थ का, ठीक है, इस तरह अर्थ का बिहेवियर होता है ये हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वेटर एंड पोल, तो बेटा यहाँ पे देखिए इस तरह से ये तो क्या है इक्वेटर, ये अपन जानते हैं,
और ये कौन सी पोजिशन है, पोल्स पोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है, पोल्स है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन पे जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बेटा कम होता है एंड पोल्स पे ज्यादा होता है। देखिए बेटा अगर इस पॉइंट पे, इस इक्विटोरियल पोजिशन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड वाचो इधर इस तरफ अगर बी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इस पोल्स वाली पोजिशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे जो बी इसके डबल होती है। वैसे तो बच्चों यहाँ पे देखें इस तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस तरफ, यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ ऐसे बिहेव कर रही है कि यहाँ पे इस तरफ हम दिखाते हैं, वैसे तो यहाँ दिखाते हैं एन पोल, यहाँ दिखाते हैं एस पोल, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होता है इस डायरेक्शन में, और इसकी जो वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ बी के इक्वल, मतलब डबल होती है इसकी तुलना में, क्योंकि ये एक्सियल पोजिशन है, ये इक्विटोरियल, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ होता है, एक्सियल पोजिशन पे होता है, तो यहाँ पे डबल होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कहाँ पूछा, पहले इसने इक्वेटर यूज किया है और बाद में इसने पोल यूज किया है, तो पोल पे वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेशो क्या होगा, 1:2, इक्वेटर एंड पोल का रेशो 1:2, ये बनेगा रिजल्ट, ठीक है। तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, क्लियर। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, क्या कह रहा है क्वेश्चन 47 को देखिए, यहाँ पे इसमें शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मोमेंट 6.75 एम्पीयर मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस ए न्यूट्रल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब बच्चों देखो शॉर्ट मैग्नेट है ये, एक छोटा मैग्नेट है, एस पोल एन पोल, ठीक है, ये इसकी एक्सियल पोजिशन। यहाँ बच्चों इसमें इस तरह से यहाँ पे इस जगह ये पोजिशन आपको दे रखी है। आप तो कह रहा है इस जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो इसमें मैग्नेट का तो फील्ड आएगा इस तरफ, ठीक है, बी ए, एंड यहाँ बच्चों इसमें इसमें जो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है इसका फील्ड आएगा इस तरफ, ये बी एच, ठीक है। दोनों को यहाँ पे अगर अपन बराबर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूट्रल पॉइंट बोला गया, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पे फील्ड जीरो होता है, नेट फील्ड, तो दोनों को बैलेंस करना है, तो बी एच इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा, बी ए, बी एच इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब बी एच आपको दे रखा, कितना रखा है बी एच, यहाँ पे 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵ रख दिया अपने, एंड बी ए, बी ए की वैल्यू क्या होती है, इक्विटोरियल पोजिशन है, 2 kmr³, 2 kmr³, ठीक है। तो k को रख दो कितना बेटा, 10⁻⁷, ठीक है, k को रख देंगे 10⁻⁷, m आपको दे रखा है, कितना रखा है m की वैल्यू, यहाँ पे 6.75, ठीक है। तो सॉल्व करके यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा रिजल्ट 30 cm, तो सॉल्व करने पे 30 cm ये रिजल्ट आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन 48 आपसे ये रहा है, 2 bar magnet विच मैग्नेट मोमेंट ओएम एंड एम फास्टन टुगेदर राइट एंगल ईच अदर, मींस दो मैग्नेट है इसको अपन इस तरह राइट एंगल फॉर्म में बांध रखा है, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत कंडीशन में ले रखा है इसको अपन ने, ठीक है, एंड रोटेट फ्रीली, विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट वर्टिकल एक्सिस टू द सेंटर, क्रॉस सिस्टम सेट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटिक हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 2m मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक मीडियम सच दैट। देखो यहाँ पे टू पोल्स, टू मैग्नेट्स हैं, दोनों अपने परपेंडिकुलर फॉर्म में ले रखा है इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट बचा 2m मान लो, और इधर वाले का m है मैग्नेटिक मोमेंट, m एंड 2m, ठीक है। तो बीचो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, वो मान लो इस तरह सारा m, इस डायरेक्शन में ये m नेट है, ठीक है, m नेट इस डायरेक्शन में, m नेट बेटा, m नेट इस डायरेक्शन में, तो m नेट मतलब जो अब ये नीडल को अपन ये फ्रीली रुकेगी, कहां जाके रुकेगी बच्चों, इस तरह रुकती है, किसका m नेट किधर होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इस तरफ इसका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बच्चों, इस तरफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन यहाँ पे जो रुकेगी इस जगह, ठीक है। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसमें जो ये क्या होता है, ये लाइन किसको शो कर रही है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन को शो कर रही है, चुंबकीय याम्य उत्तर को, ये कौन सा पोजिशन बच्चों, ये लाइन आपको शो कर रही है चुंबकीय याम्य उत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है चुंबकीय याम्य उत्तर, चुंबकीय याम्य उत्तर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो 2m बेटा, ये 2m इस चुंबकीय याम्य उत्तर से कितना एंगल बना रहा है, मींस ये एंगल थीटा आपको फाइंड करना है, एंगल थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए एक ये m मेरा, एक ये m मेरा, तो यहाँ से मैं tan थीटा अगर निकालूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, तो m अपॉन 2m करेंगे, तो m अपॉन 2m करिए, तो m से m कट गया, कितना गया 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स 1/2, तो कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्ड आंसर टिक कर लेंगे इस तरह से, किया जाएगा आंसर थर्ड, ओके, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 49, आपसे कह रहा है
स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। अपन जानते हैं टाइम पीरियड होता है उसका, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, ठीक है, आई अपॉन एम बी। कहां पे कह रहा है चुंबक की लंबाई बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ यहां पे एम जो है कैपिटल एम इक्वल टू होता है एम इनटू लेंथ, ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, चुंबक की सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, ध्रुव प्राबल्य पे, पता इससे लिखते हैं ना फॉर्मूला, ये आई अपॉन एम को लिखते हैं यहां पे, ये जगह एम तो जगह एम इनटू लेंथ, एम इनटू लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ध्रुव सामर्थ्य पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पॉलिश स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ ऑफ सस्पेंशन थ्रेड, जो डोरी है उसकी लटकी लंबाई पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो क्या आंसर टिक करेंगे, फोर्थ, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 49 का 50 देखें, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 50 देखिए बच्चों, यहां पे क्वेश्चन 50 में अ सर्टेन प्लेस मैग्नेटिक मैग्नेट मेक्स 30 ऑक्सीलेशन पर मिनट। तो जो 30 ऑक्सीलेशन पर मिनट बोला गया है, 30 ऑक्सीलेशन पर मिनट मतलब एक मिनट में 30 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 60 सेकंड में 30 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, तो एक ऑक्सीलेशन में टाइम कितना गया है 2 सेकंड, 60 सेकंड में 30 ऑक्सीलेशन है, तो वन ऑक्सीलेशन को होने में टाइम कितना लगेगा बच्चों, वन ऑक्सीलेशन को होने में टाइम 2 सेकंड लगेगा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ कितना जो है टी इज इक्वल टू जो है 2 सेकंड, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, ये आपको बता रखा टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। अब कह रहा अनदर प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल टाइम पीरियड विल बी, तो चलो देखो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, ये अपन जानते हैं, ठीक है, मींस टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या रूट ऑफ बी, ठीक है। तो यहां से देखो टी डैश अपॉन टी करेंगे तो रूट ऑफ बी अपॉन बी डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो ये बी एंड ये बच्चों 2b, तो क्या होगा रिजल्ट, इसे कट गया ये 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों टी बाई रूट 2, टी आपको दे रखा है 2 सेकंड, रख देंगे टी इक्वल 2 सेकंड डिवाइड बाय रूट 2 करिए तो क्या जाएगा रिजल्ट रूट 2 सेकंड, तो कौन सा आंसर आ गया 4, ठीक है। तो टाइम पीरियड की हो जाएगी रूट 2 सेकंड के इक्वल, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर देखें 51 क्या है, इफ ब्रास बार इज प्लेस्ड ऑन अ वाइब्रेटिंग मैग्नेट देन इट्स टाइम पीरियड विल, क्या होगा देखो यहां बच्चों इसमें यहां पे अपन जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, ठीक है। अब जो ब्रास मैग्नेट अपने यार ब्रास एक रख देंगे यहाँ पे इसके अंदर बार, मतलब एक पीतल की छड़ इस पे रख देंगे, तो उससे क्या होगा कैपिटल एम, क्यों हम जानते हैं ब्रास कोई मैग्नेटिक मटेरियल तो ही नहीं, ठीक है, मतलब सॉरी कोई मैग्नेट तो ही नहीं यहाँ पे, ब्रास का एक जो एम है वो क्या होगा जीरो होगा, एम तो होगा नहीं इसमें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे किस फर्क पड़ेगा आई पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे जो ब्रास बार अपन पुट करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे ब्रास बार अपन रखेंगे तो इससे क्या होगा आई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इससे टाइम पीरियड की क्या जाएगी इंक्रीज, टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो मान क्या जाएगा बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है, टाइम पीरियड की इंक्रीज होगी, ओके। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, 52 यहाँ पे स्पर्श जा धारा मापी है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर डबल रिडक्शन फैक्टर के विल बी, तो चो के बारे में आपको पता होना चाहिए, के की वैल्यू होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू R अपॉन एन होती है, ठीक है, के R अपॉन एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसने नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस दोनों को आपने डबल कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल दोनों को डबल कर दिया है, मतलब R को भी आपने डबल कर दिया है, ठीक है, N को भी आपने डबल कर दिया है, तो कट के वैल्यू क्या जाएगी 1 टाइम्स, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के की वैल्यू के ही रहेगी, ठीक है, तो के डैश इक्वल टू के हो जाएगी, तो आंसर क्या गया फर्स्ट आ गया इसका, ठीक है। चलो अब आगे देखें 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का है, क्या है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल ऑफ सेम रेडियस एंड कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या होता है जो करंट सेम होती है, दोनों टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में करंट सेम फ्लो रही है, अब अगर करंट फ्लोइंग इन देम प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन 60° एंड 45° रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे n का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए i इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है tan थीटा, ठीक है, या कहते हैं i इज इक्वल टू क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, देखो क्या कह रहा हूँ मैं i इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे i इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, मींस i इज इक्वल टू क्या जाएगा k tan थीटा, ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जो फॉर्मूला था i इज इक्वल टू क्या होता है k tan थीटा के इक्वल, ठीक है, कहां से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा i अपॉन k, ठीक है, i अपॉन k, तो i तो बेटा यहाँ पे सेम होगी, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है,
सेम कॉम्बिनेशन है तो बेटा tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा 1 अपॉन k। और अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने k इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है r बाई n, ठीक है यहाँ पे ये n बाई r हो जाएगा क्योंकि इनवर्स ऑफ k लिखा हुआ है, tan थीटा प्रोपोर्शनल टू n बाई r, ठीक है। अब यहां से अपन निकालें tan थीटा रेशो, तो tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 करिए तो क्या जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे ही तो पूछा है सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो पूछा है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो पूछा है आपसे। देखिए यहाँ से n इज r तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे इसमें टेंजेंट किलोमीटर ऑफ सेम रेडियस r यहाँ पे सेम दे रखी है, r यहाँ पे सेम है ठीक है, r यहाँ पे सेम दे रखी है रेडियस, तो n इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा tan थीटा, n इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, बस अब हो गया सॉल्व। अब यहाँ से हमसे पूछा है रेशियो ऑफ टर्न्स, तो n1 अपॉन n2 निकालेंगे तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा यहाँ पे tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, तो थीटा 1 यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, थीटा 2 कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 अपॉन tan 45, tan 60 कितना होता है रूट 3 एंड tan 45 1 होता है, तो क्या जाएगा आंसर 4 आ जाएगा रूट 3 बाई 1, ठीक है ऐसे अपन सॉल्व कर लेंगे। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 54, देखिए शॉर्ट मैग्नेट नीडल इज पिवोटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 टेस्ला, when another magnetic field of strength root 3 tesla is applied to needle perpendicular direction the needle deflects through an angle theta where theta is। देखिए बच्चों यहां पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले इस तरफ है, इसकी वैल्यू कितनी है मैंने 1 tesla, ये आपको बच्चों b1 is equal to दे रखा है 1 tesla, ठीक है। अब इसमें कोई मैग्नेटिक नील रखी हुई है तो नीडल किस डायरेक्शन होगा बेटा, इसी डायरेक्शन रहेगी नीडल, क्योंकि नीडल हमेशा किधर रहती है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ठीक है जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उस तरफ रहती है मैग्नेटिक नीडल, तो पहले इस तरफ है मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपसे कहा आपने इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, एक अदर मैग्नेटिक फील्ड बी टू अप्लाई कर दिया बी टू, ठीक है तो बी टू अप्लाई कर रहे हैं बी टू वैल्यू कितनी है रूट थ्री टेस्ला दे रखी रूट थ्री टेस्ला। तो बेटा अब यहाँ पे इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ इस तरफ आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बी नेट, ठीक है बी नेट मिलेगा इस डायरेक्शन में, तो जो नीडल है अब ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी किधर आ जाएगी, यहाँ पे नीडल डिफ्लेक्ट हो गए इस बी नेट के अलोंग आ जाएगी इस तरह से, यहाँ पे निडल इस तरफ पहुंच जाएगी डिफ्लेक्ट, निडल हमेशा बच्चों कहाँ रहती है बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मतलब यहाँ से कितना डिफ्लेक्ट हो गई इतना ये डिफ्लेक्ट हो गई थीटा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए tan थीटा फाइंड करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब रूट थ्री टेस्ला, रूट थ्री टेस्ला अपॉन डिवाइड बाय 1 टेस्ला, तो क्या जाएगा बेटा ये रूट थ्री, तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू यहाँ से जाएगा 30 डिग्री, ऐसा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं सॉरी 30 नहीं 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री की इक्वल होती है, ठीक है तो यहाँ से अपन ये इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं क्या जाएगा इसका आंसर 60 डिग्री किया जाएगा 4, क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 55 द मैग्नेट of vibration magnetometer is heated at reduced magnetic moment by 19 degree, ठीक है इसका magnetic moment 9 degree कम हो गया है, ठीक है तो यहाँ पे इसमें period पे क्या फर्क पड़ेगा time period पे ये बताना है। तो देखो T is proportional to क्या होता है बेटा T is proportional to 1 upon root of m, क्योंकि T is equal to 2pi under root i upon mb, तो T proportional to root of 1 upon root of m है, ठीक है यहाँ पे T dash अगर अपन T dash upon T करेंगे तो root of m upon m dash हो जाएगा, ठीक है सपोज बच्चों ये इनिशियल वैल्यू अपन 100 लेते हैं, ठीक है ये अपन ने ये वैल्यू ले ली 100, लेट इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 100, ठीक है तो यहां से क्या जाएगा देखिए इनिशियल वैल्यू 100 मान लें तो t डैश अपॉन 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ m इज 100, तो m डैश कितना हो गया 19% कम हो गया है, तो वैल्यू कितनी रहेगी 19 कम कर दें 100 में से कितना रहेगा 81, तो 81 हो गया, ठीक है तो ये tan अपॉन 9, ठीक है तो t डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा ये 1000 अपॉन 9, 1000 अपॉन 9 करेंगे तो ये नियरली हो जाएगा 111 के समथिंग हो जाएगा, जो पहले अपने 100 लिया था अब कितना हो गया 111 हो गया, इसका मतलब 11% इंक्रीज हो गया है, ठीक है इसके बच्चों 11% इंक्रीज किया जाएगा इसका आंसर 11% इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज बाय 11% मतलब थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ऐसे अपन सोच सकते हैं। ओके चलो अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 बिफोर यूजिंग टेंजेंट किलोमीटर इट्स कॉइल इज सेट इन, तो जो टेंजेंट किलोमीटर यूज करते हैं तो हम कॉइल को किसमें सेट करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन में, चुंबकीय या में उत्तर में, ठीक है ये आगे रिजल्ट मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 57 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड ओवर इट्स क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है अगर अपन
क्यूरी टेम्परेचर से भी और ऊपर तक उसको अपन ज्यादा गर्म कर देंगे तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से डोमेन्स होते हैं ना सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं डोमेन्स, ठीक है, सारे के सारे डोमेन्स अस्त व्यस्त हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स बिकम्स रैंडम, ठीक है, रैंडम फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने से सारे के सारे डोमेन्स डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट में फर्क पड़ जाता है, सारे के सारे जितने डोमेन्स हैं उनके जो मोमेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट पहले एक तरह से सब डोमेन्स में सेम डार्क में असाइन थे सारे के सारे डोमेन्स अब डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, अबाउट मैग्नेटिक सेंसिटिविटी एक्सएम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सा बेटा ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ अपन जानते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है, एक्सएम की जो वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, सीधी सी बात है, यही होता है इसका आंसर, ट्रू तो बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, इज ट्रू कहां पे जाएगा, एक्सएम का मान नमूने के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, एक्सएम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, क्लियर, ये चीज अपन देखते हैं। चलो अब देखें यहाँ पे 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्वेश्चन 59 के अगर आपसे सभी पदार्थों का सार्वत्रिक गुण है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कौन सी होती है यहाँ पे, प्रतिचुंबकत्व मींस डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म ऐसी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी सब में होती है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी होती है थोड़ी बहुत, थोड़ी मतलब जो है प्रतिचुंबकीय थोड़ा लो चुंबकीय के अंदर भी होता है, अनुचुंबकीय भी होता है थोड़ा थोड़ा, ऐसी बात नहीं है दोनों में होता है, बट लो चुंबकीय के अंदर खुद का प्रभाव ज्यादा होता है इसलिए ये छुप जाता है, दिखता नहीं है, ऐसे अनुचुंबकत्व में इसका खुद का प्रभाव ज्यादा होता है इसलिए इसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आता, ठीक है, बट ये होता सब में ही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आई बस समय। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ससेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, लो चुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है अपन जानते हैं बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सएम का मान क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर में होता है लगभग 10^2 से 10^4 के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, हम बोलेंगे ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपन सॉरी 60 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे चलो फिर आज के इतना बोलते हैं, फिर मिलते हैं, ओके गुड बाय।